नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद बदले के बारे में, कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आप बदला लेने का सोच रहे हो अपने एक्स पार्टनर से, आप सोच रहे हो कि ब्रेकअप के बाद उस इंसान से अब बदला लिया जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही, कोई भी चीज़ तुम अप्लाई कर रहे हो, किसी भी तरीके से तुमने मना के देख लिया, लेकिन वो एक्स पार्टनर तुम्हारा मान नहीं रहा है और उल्टा गलती तुमको दे रहा है। तो ब्रेकअप उसने किया, गलती भी तुम्हारी बता रहा है, सारी चीज़ें उसने तुम्हारे पर थोप दी हैं, सारी गलती तुम्हारी वो बता दे रहा है, और इसके बाद वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई वजह नहीं बता रहा है ब्रेकअप होने की, और सिर्फ वो इंसान बदतमीजी कर रहा है तुमसे। अगर तुम रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, बहस हो जा रही है तुम्हारी, और वो काट कर तुमको ब्लॉक कर दे रहा है। इस तरीके की चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं, और इसके बाद अब तुम्हारा मूड बन गया है उससे बदला लेने का। तो अगर उससे बदला लेने का मूड बना रहे हो तो ये वीडियो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए होने वाला है। इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक के बारे में, और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर क्या सही रहता है ब्रेकअप के बाद। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तकलीफ होना, उसकी याद आना, वो इम्पोर्टेंट लगना, सब कुछ रिलेशनशिप ही लगना ये आम बात है, सबके साथ ये होता है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसको तुम्हें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि देखो याद आएगी तुमको, ठीक है, क्योंकि याद पे किसी का बस नहीं है। तुम कुछ नहीं करोगे तो दिन भर में एक्स को कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे तो तुम्हें याद आनी तय है। अगर तुमने जीवन में एक भी नया काम किया पूरे 24 घंटे में, तुम्हें कुछ दिन के लिए याद नहीं आएगी, जैसे कि ये वीडियो सुनने के बाद आधा एक घंटा तुम्हें याद नहीं आती है, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल जाता है। दूसरी चीज़ है, तुम अगर सोच रहे हो कि ब्रेकअप हो जाने के बाद सामने वाला दुखी रहेगा, सामने वाले को कोई अफसोस होगा, तो भैया उसे कुछ अफसोस नहीं होने वाला है, वो इंसान मस्त मज़े मारेगा, घूमेगा, और अगर तुम उसके पास जाओगे तो भैया उसको रिलेशनशिप में तो रहना नहीं है, बहुत ज़्यादा तुम उसको प्रेशराइज़ करोगे इस चीज़ के लिए, तो उसको तो रहना वैसे भी नहीं है। वो इंसान तुमसे रूडली बात करना शुरू कर देगा, तुम्हारा फ़ोन काटेगा, कॉल काटेगा, क्योंकि तुम उससे वही चीज़ मांग रहे हो जो उसको उसे देना नहीं है, लगातार उससे तुम बोले जा रहे हो रिलेशनशिप में आ जाओ, उसे आना नहीं है। एक टाइम पे वो इरिटेट हो जाएगा, इरिटेट होकर तुमसे बदतमीजी शुरू कर देगा और उठा के फ़ोन काट कर हर जगह से ब्लॉक कर देगा, जैसे काफ़ी सारे लोगों को उनके एक्स पार्टनर कर देते हैं। ऐसे केस में भैया तुम्हारा मन करता है बदला लेके माने, तो मेरे दोस्त यहाँ पे बदला लेने से पहले एक चीज़ समझो कि अगर तुम उससे बदला लेने जा रहे हो, जो उसने किया वो तुम करने जा रहे हो, तो उसमें तुम्हें फ़र्क क्या रह जाएगा मेरे दोस्त, क्या फ़र्क रह जाएगा उसके में तुम्हारे में? तब तो उसका डिसीजन एकदम सही हो जाएगा, उसकी नज़रों में वो से ये लगेगा कि उसका डिसीजन बिल्कुल सही था तुमसे ब्रेकअप करके, क्योंकि तुम इंसान सही नहीं थे उसके लिए। भाई उसने ब्रेकअप किया तो चलो तुम्हें तो ठीक रहना चाहिए था, क्योंकि तुमने प्यार कर रखा है। भाई वो इंसान भटक गया है तो तुम्हें तो नहीं भटकना चाहिए, अब तुम भी वही चीज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा प्यार तभी तक है जब तक उसका प्यार है। मुझे पता है तुम मेरे दोस्त बदला तुम यूं ही नहीं लेना चाहते, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, तुम्हें कहीं रिलैक्स नहीं मिल रहा है, और तुम बदला लेकर तुम्हें एक रिलैक्स मिल जाएगा, तुम्हें एक इंसाफ मिल जाएगा, एक जस्टिस मिल जाएगी, तो लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। बदला ले लेने के बाद तुम्हें 2-3 दिन बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है, इसके बाद तुम्हें अफसोस होगा, तुम्हें गिल्ट महसूस होगा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो वही वाला काम कर जो एक्स ने किया था। अब तुम एक्स के सामने क्या मुंह दिखाओ? अभी तक क्या था, एक्स तुमसे डरता था, ठीक है, अब क्या है, एक्स तुमसे डरेगा नहीं, एक बार उसके पास जवाब नहीं है, कायदे से तुम्हारे सामने तो नहीं डरता वो, लेकिन अंदर से तुमसे डरता है, भाई तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं उठाता वो एक्स पार्टनर, क्योंकि उसे पता है कि अभी वो तुम्हारा फ़ोन उठाएगा, उसे जवाब देने पड़ेंगे, तुम्हें क्या जवाब देगा क्यों ब्रेकअप किया? तुम सीधा यही तो पूछते हो भैया क्या ब्रेकअप क्यों कर दिया तुमने, और चलो हमारी कोई गलती थी तो हम सारी गलती सुधारने को तैयार तो हैं, अब तो वापस आ जाओ, लेकिन वो इंसान तब भी नहीं सुनता है, तो इस वजह से तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता। अब उसको तुम मौका दे दोगे कि वो इंसान कहेगा तुमसे कि तुमने भी तो वही काम कर दिया, भाई चलो हमने तुमसे ब्रेकअप किया और तुमने मुझसे बदला ले लिया, तुमने ये चीज़ कर दी मेरे साथ, तुमने वो चीज़ कर दी मेरे साथ, तुमने मेरी पर्सनल बातें सबको बता दी, तुमने भी सारी चीज़ें कर दी, मतलब बदला लेने का मतलब है मेरे दोस्त का किसी भी तरीके से इमोशनली नुकसान करना, ठीक है, अगर उसके कोई सीक्रेट्स हैं उसको लोगों में बता देना, अगर ये सब तुम सोच रहे हो तो ये सब मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ये सब सरासर गलत है मेरे दोस्त, बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तुम्हें। अगर ब्रेकअप के से तकलीफ़ हो रही है तो कृपया उससे हट जाओ, ठीक है, उस इंसान से बात करना छोड़ दो, उसके पीछे भागना छोड़ दो, उसके बारे में डिस्कस करना छोड़ दो, लेकिन ये सब मेरे दोस्त अगर करने का विचार तुम्हें मन में आ रहा है तो फौरन रुक जाओ मेरे दोस्त, इसको करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हें सिर्फ गिल्ट होगा और तुम इसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे, तुम्हें रिलैक्स जरूर मिल जाएगा 1-1.5 दिन का कि तुम्हें लगेगा हाँ भाई एक इंसाफ हो गया, लेकिन इंसाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें भैया उस एक्स पार्टनर को तुम्हें नीचा दिखाना ही नहीं है, तुम्हें उस एक्स पार्टनर से बदला लेना ही नहीं है, तुम्हें बस
चाहिए कि वो इंसान रियलाइज कर ले कि तुमने कितना एफर्ट किया, वो रियलाइज कर ले तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था, वो रियलाइज कर ले कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो रियलाइज कर ले कि तुम कितने बढ़िया इंसान हो उसके लिए। बस यही चाहिए तुमको। अगर वो इंसान अभी आए तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे कदमों में गिरे और बोले कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे ब्रेकअप करके, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, तुमने इतना एफर्ट लगा दिया, तुमने इतना प्यार कर दिया, कोई और नहीं कर पाएगा, इतना बोल देगा, तुम एकदम ठंडे हो जाओगे, ठीक है, तुम्हें फिर कुछ नहीं चाहिए होगा। तो तुम्हें चाहिए इस समय रियलाइजेशन, तुम्हें बदला नहीं चाहिए, बस यही है। तुमको रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तुमको चैन नहीं पड़ रहा, तुम कुछ भी करना चाह रहे हो, तो मेरे तो ये सब चीज़ों का ख्याल तुम अपने मन से निकाल दो। इसलिए निकाल दो क्योंकि मेरे तो सही करके तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो तुम अपना प्यार साबित कर दो मेरे दोस्त, कुछ ना करके। कुछ नहीं करोगे तो तुम स्ट्रांग बनोगे, कुछ करोगे अगर तो मेरे दोस्त तुम्हें ये सिर्फ कमज़ोर बनाएगा, तुम्हें फिर उसके पास जाना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे तुम उस इंसान को कुछ कह क्यों नहीं पाते हो, चिल्ला क्यों नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम फिर उसके पास जाओगे, क्योंकि तुम कुछ भी कह के रह नहीं पाते हो, तुम बार बार कॉल मैसेज कर लेते हो, वो भी कब तक कर लेते हो, जब तक वो तुम्हें करने देता है। जिस दिन वो चाह जाएगा तुम एक कॉल उसके पास नहीं कर पाओगे, एक मैसेज उसके पास नहीं कर पाओगे, जिस समय इमोशनल कंट्रोल उसके पास है तुम्हारे पास नहीं है। और इस समय वो इंसान तुमको भी ज़रा सा भी भाव नहीं देगा। रीज़न क्या है कि तुम एकदम चेंज हो चुके हो। तो बदला लेना कहीं से भी ठीक नहीं है, अपने ऊपर काम करो। सबसे बड़ा बदला क्या है मेरे दोस्त, वो तुमको पाना चाहे वो पा ना पाए, तुम उसको दो थप्पड़ मार दोगे वो एक घंटे में भूल जाएगा, लेकिन जब वो तुम तक पहुँचना चाहे और पहुँच ना पाए, ये बदला है। जब वो तुमको कॉल करे तुम सामने से मना करो, देखो अब बात नहीं हो पाएगी। जब वो इंसान तुमको कॉल करे अब तुम उसको बोलो कि अभी मैं बिजी हूँ, तीन घंटे बाद कॉल करना। जब उसे तीन घंटा वो वेट करना पड़े, तो जब उस वेट करने में तुम्हारी याद उसे आए, तो ये असली बदला है, ठीक है। जब उस इंसान को सारी चीज़ें एहसास हो जाए और तुमको पा ना पाए, ये असली बदला है, ये रिवेंज है असली। जब तुम अपने आप को बेटर कर लो, जब उसे पता चले कि इन्हें मस्त इंसान से मैंने ब्रेकअप कर लिया, ये रिवेंज है। जब तुमको पाना चाहे वो पा ना पाए, तो ये रिवेंज है। ये नहीं रिवेंज है कि तुमने उसका कुछ नुकसान कर दिया, तुमने उसके कोई राज बता दिया या कुछ भी, और किसी तरीके से तुमने इस तरीके से बदला ले लिया। तो ये सब चीज़ें नहीं मेरे दोस्त करनी है, ना उसको कुछ उल्टा सीधा बोलना है। देखो मेरे दोस्त कुछ भी कह के तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है, तुम 50 गालियां भी उसको दे लोगे कुछ फर्क उसको नहीं पड़ने वाला है। दाएं वाले कान से सुनेगा, बाएं वाले कान से निकालेगा, और इससे तुमको भी कोई फायदा नहीं होगा। पूरे समाज के सामने तुम अपने एक्स को गलत भी साबित कर दोगे ना, ये भी तुम्हें कुछ रिलैक्स नहीं देने वाला है। हो सकता है डेढ़ दिन दो दिन का तुम्हें रिलैक्स मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। डेढ़ दो दिन के बाद तुम्हारी हालत फिर वैसी हो जाएगी जैसे अभी है। तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, उसकी पहुंच से बाहर निकलना है। रीअट्रैक्ट इंसान होना शुरू हो जाएगा, जब रीअट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा तो तुम्हें दोनों तरफ से अच्छा लगेगा। तो तुमने खुद को बेटर किया, तुम्हें बढ़िया लगेगा, और सामने वही इंसान जिसके पीछे तुम भागते थे वो तुम्हारे पीछे भागेगा, तो तुम्हें और दुगनी स्पीड से बढ़िया लगेगा। तो तुम्हें लगेगा तुम ही हर चीज़ के एक्सपर्ट हो यहाँ पे, और तुम्हें जो जो चाहिए, तुम जो जो डिजर्व करते हो सब तुम्हें मिलेगा। उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।